पा रहे होंगे, कुछ इस तरह का एरर भी काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन में आ रहा है। द कनेक्शन टू उस साइट का नाम रहता है www.jo करके, देन इज़ नॉट सिक्योर। कुछ इस तरह का एरर अगर आपके फ़ोन में भी आ रहा है तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ कि इस प्रॉब्लम को आप सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह प्रॉब्लम तब आती है जब हम उस साइट को ओपन करते हैं जो कि HTTPS सपोर्ट नहीं करती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमें वार्निंग भी दी गई है कि यू आर सीइंग दिस वार्निंग बिकॉज दिस साइट डज नॉट सपोर्ट HTTPS। तो यानी कि यह साइट HTTPS सपोर्ट नहीं कर रही है और यह साइट बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। नॉट सिक्योर का मतलब यह नहीं है कि यह साइट आपके फ़ोन को हैक कर लेगी या फिर इस साइट पर आप जाएंगे तो आपका फ़ोन हैक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस साइट को ओपन करके इस साइट पर जाकर आप जो जो भी एक्टिविटी करेंगे उसमें आप कोई फॉर्म फिलअप करेंगे, अपना नाम फोटो कुछ भी अपलोड करेंगे तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट सिक्योर नहीं रहेगा और लगभग लगभग वह डॉक्यूमेंट आपका पब्लिक रहेगा। उस डॉक्यूमेंट को कोई भी यूजर देख सकता है, उसे बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकता है। तो नॉट सिक्योर का मतलब यही है कि इस साइट पर आपको सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा। अपना नाम एड्रेस कुछ भी मतलब आपका जितना भी बिहेवियर उस साइट पर रहेगा पूरा पब्लिकली रहेगा। उस साइट के जरिए कोई भी देख सकता है कि आप उस साइट पर क्या क्या कर गए हैं या फिर क्या क्या कर रहे हैं। तो नॉट सिक्योर का मतलब यही है। लेकिन अगर आप फिर भी इस साइट पर जाना चाहते हैं इस एरर को लॉक करके तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों इस साइट पर जाने के लिए सबसे पहले हमें एक गो बैक का ऑप्शन हो रहा है, देन सबसे नीचे भी हमें कंटिन्यू टू साइट का ऑप्शन हो रहा है। जैसे ही नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं कंटिन्यू साइट तो डायरेक्ट हम उस साइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वह साइट हम एक्सेस कर पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने इस साइट को एक्सेस कर लिया है, देन इस साइट पर हमें यहाँ पर कुछ नाम वगैरह आईडी वगैरह डालने के लिए बोल रहा है, कैप्चा वगैरह डाल के जैसे वेरीफाई डिटेल पर करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे डिटेल्स होंगे। लेकिन मुझे पता है कि यह साइट सिक्योर नहीं है, इस साइट पर मैं जो भी यूनिक आईडी अपनी कुछ भी आईडी डालूंगा तो वह पब्लिक रहेगी, कोई भी हैकर या फिर कोई नॉर्मल यूजर भी हमारी आईडी को देख पाएगा। इसलिए मैं इस साइट पर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करूँगा जिससे मुझे इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर आपके फ़ोन में कुछ इस तरह का एरर अगर आ रहा है तो इन साइट्स का एक्सेस कुछ इस तरह से कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार।